जीएचएमसी फुटपाथ पर गैरमजाज कब्जों को बर्खास्त करने आवाम से तावुन तलब करती है, लेकिन जब जमीतुल कुरैश बेगम बाजार मीट एसोसिएशन के अहदेदारों ने बेगम बाजार मीट मार्केट के मेन गेट के पास गैरमजाज डब्बों को बिठा देने के खिलाफ शिकायत की तो बल्दिया ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। सदर एसोसिएशन मोहम्मद नईम कुरैशी ने बताया कि वो मुसलसिल बल्दिया के हुक्काम को इस सिलसिले में नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन बल्दिया का हमला ख्वाबे गफलत में है। कहीं ऐसा तो नहीं जीएचएमसी इन गैर मजाज डब्बे वालों की हौसला अफजाई कर रही है? मैं बेगम बाजार मार्केट से जमीत कुरैश प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ। बेगम बाजार मार्केट से मैं जीएमसी गया, जीएमसी से आपके यहाँ कंप्लेंट दिया डब्बों के में जो तकलीफ हो रही है डब्बों के बारे में। मैं जो कंप्लेंट दिया जनवरी में दिया था, 6 महीने हो गए, कोई एक्शन नहीं लिए साहब। और जो जो डब्बे कल करेंगे आज करिए कल करिए आज मेरे को 6 महीने से फिरा रहे हैं और जो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। आज जो तो मैं जाने डब्बा आने के बाद मैं डब्बे को अपडेक्शन हुआ तो मेरे को लोग गाली गलौज करने मारने करने को आ रहे हैं और जो सो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। ऑफिसर साहब पहलवाना 40-50 आए थे और जो सो डब्बे नहीं हटाते बोल रहे हैं वो नहीं बोल रहे हैं। मैं सिर्फ 2 डब्बों का ही कंप्लेंट दे रहा हूँ साहब को। क्या नाम है साहब का? अपने सुनंदर रेड्डी साहब को गया जाके बोला मैं
मेरे को ये तकलीफ हो रही है। सिर्फ दो डब्बों का ऑब्जेक्शन कर रहा हूँ, जहाँ ऑब्जेक्शन नहीं है वहाँ के डब्बों को एक्शन ले रहे हैं। जहाँ मेरी तकलीफ है पब्लिक को, यहाँ दो डब्बों का ऑब्जेक्शन कंप्लेंट दिया, मैं दो डब्बे भी नहीं निकाल सक रहे हैं। और जो तो पूरी मार्केट का मैं प्रेसिडेंट हूँ, आज जो तो 26 फैमिली के लोग मेम्बर्स घर के बेघर हो जा रहे हैं, खाने को खाना नहीं रह रहा। और जो तो हमारा कारोबार मटन मार्केट का पूरा कारोबार डिप हो गया, ये डब्बों की तरह से हमारी पूरी मार्केट पूरी छुप गई। डब्बे फुटपाथ पर तले हुए, कोई वजह नहीं। और एक्शन बन जाके ले रहे हैं, वजह ये है साहब, तो अपने पार्किंग का बहुत प्रॉब्लम है, इतना प्रॉब्लम होगा मार्केट का। पहले नहीं करे ऑपरेशन, हम इस वजह से नहीं करे, पहले काम चल रहा था, दो रस्ते थे, अब एक ही रास्ता बन गया। इस वजह से मच्छी मार्केट टूट गई पूरी, मच्छी मार्केट के पूरे गाड़ियाँ उड़ियाँ पार्किंग वर्किंग हमारे मटन मार्केट के गेट पर आ रहे हैं। हमारे मटन मार्केट को दो गेट थे, अब एक ही गेट है, एक ही गेट से जो प्रॉब्लम ये हो रहा है, डब्बे पूरे गेटों को लगा के लगा दिए, आखिरी कोने तक डब्बे, जगह ही नहीं दिख रही, मार्केट का गेट नहीं दिख रहा। हम दो डब्बों का ऑपरेशन कर रहे हैं सुंदर रेड्डी साहब को, मगर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। और जो होना कर लो, लीडरों का हमारा प्रेशर आ रहा, इनका प्रेशर आ रहा, कॉर्पोरेट का प्रेशर आ रहा, उनसे बात कर लो बोल के हमारा सही लैंग्वेज भी नहीं, एकदम से स्ट्रांग लैंग्वेज में बता दे रहे साहब हमारे को। कंप्लेंट हम जो है जनवरी में दिए साहब, 6 महीने वहाँ दे देंगे, 6 महीने के बाद में आज फिर रहे हैं ऑफिसर, क्या हुआ साहब, क्या हुआ, कल करिए। और उनका सुनरटी साहब के हाथ पे हो रहे, क्या नाम उनका, अपने अश्विन साहब को उन्होंने दिए, अश्विन साहब भी हो रहे आके देखे सब करे, वहाँ पर किरगिरी पंचायता हुए, उसके आने जाने के डब्बे वालों को कन्फर्म करे, उनका डब्बा भी नहीं, उनको कन्फर्म करने के बाद में उन्होंने आज फोन ही नहीं उठा रहे, फोन कर रहे हैं फोन ही नहीं, कोई एक्शन नहीं, हम बिजी है, वो है, हम नहीं आ सकते, वो रहे क्या साहब, ये जुल्म क्या है आखिर, हम कंप्लेन जायज़ दे रहे हैं, नाजायज नहीं दे रहे, हर फोटो पासपोर्ट पर भेज रहे हैं अश्विन के, देखो भाई हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ ये जुलूम हो रहा है, गाली गलौज हो रही है, मारम पीटी हो रही है, ये काम जीएसएमई का जीएसएमई का है। और जो तो हमारे कुछ जो तो लेडीज़ को लाके गाली गलौज करा रहे हैं वहाँ पर, इनका अश्विन का काम था, वहाँ फ़ौरन आके एक्शन लेना करना, हम फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन पर कोई रिस्पॉन्स नहीं है। और साहब आप इस वक्त मैं जीएसएमई ऑफिस में हूँ, साहब नहीं है, साहब जो तो फ़ोन पे मेरे को क्या बोल रहे हैं, मेरे को लीडरों का और उनका प्रेशर आ रहा, उनसे बात करो, मेरा काम नहीं है बोल रहे हैं, जब उनका काम नहीं है तो साहब फिर किसकन जाना, फिर हम फरियाद लेके किसकन जाना, हमारे को जुलूम हो रहा है, हमारा पूरा मार्केट खत्म है, 26, 27, 28 फैमिली जो है रोड पर हो जाती है, हमारा कारोबार मटन का कोई नहीं है वहाँ पर, ये कारोबार नहीं हो रहा, मच्छी मार्केट की पूरी पार्किंग हमारे तरफ आ गई, इंटरेस्ट में दो डब्बे भी गेटों को लगा के रखे हुए, ये कितना जुलूम सही है साहब, वो दौर से भी जुलूम सहते हुए आ रहे हैं, आज भी हम जुलूम सह रहे हैं, ये कब तक होगा साहब, ये कब तक दादागिरी चलेंगे लोगों के आखिर, हम हुकूमत से एक ही चाह रहे साहब, हमारे को जो है पार्किंग प्लेस बनना, और वो डब्बे जो है तो डब्बे हटाना वहाँ से, डब्बे ऐसे आप डब्बे भी कोई ऐसे कोई मामली आदमियों के नहीं, सब डब्बे वाले करोड़पतियाँ अरबपतियाँ हैं, हम आके देखो हमारा माशी हालत, हमारी कमजोरी, हमारे कारोबार नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम कहाँ जाना फिर घर छोड़ के, हम मार्केट हमारे बाप दादा से हम कर लेते आ रहे हैं कारोबार, हम कुरैशी है, हम मटन शॉप का है, और मैं ये बेगम बाजार मार्केट का प्रेसिडेंट हूँ। अब ये लोग जो बेगन आए, मैं अपने ऑफिसरों को जा रहा हूँ, कोई एक्शन नहीं रहा था, कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रहा मेरे को, मैं अब किसकन जाऊँ साहब, बोलो आप, मार्केट वाले पूरे मिलके, मैं प्रेसिडेंट हूँ बोल के मेरे कन आए, और मैं किसकन जाऊँ, मैं एमजीएस साहब जा रहा हूँ, मेरे कोई रिस्पॉन्स नहीं रहा, क्या करते कर लो, हमारा काम नहीं है, हमारे लीडरों के प्रेशर आ रहे हैं, कई क्या साहब आज भी वही दौर है, 20 तेलंगाना होगा उसके बाद में, आज भी हम जुलूम में, आज भी हमारे पास जुलूम चल रहा बेगम बाजार में। अब अगर ये जीएफसी वाले अगर सही काम नहीं करेंगे यहाँ पर, या सही एक्शन नहीं लेंगे, तो यहाँ पर लैंड ऑर्डर का प्रॉब्लम आता है, लड़ाई झगड़े होंगे या मामले होंगे, तो जियो भी अच्छा बुरा हादसा हो जाएगा, इनके जो जीएमसी वाले ऑफिसर साहब जिम्मेदार रहेंगे, ये लोग सही एक्शन नहीं ले रहे हैं, लाइन ऑर्डर वाले हमारे को बोल रहे हैं जीएसएम का काम है, हम पीएस को जा रहे हैं, फिर भी पीएस हमारे को कॉपरेट कर रहा, हमारा पीएस कॉपरेट कर रहा बोल के हम अभी तक आपके सामने ये स्टेटमेंट दे रहे हैं और ये बात कर रहे हैं, नहीं तो कल हमारे को मारम पीटी पे आ गए थे, कल हम पीएस को गए, पीएलएस हमारे को कॉपरेट करी, हम उनका शुक्रिया अदा करते, पुलिस हमारे कॉपरेट करने से हम आज जिंदा है, नहीं तो हमारे को आज फिर वही 90 के मारा मारने वाले थे लोग, हमारे को वही जुल्म सहना पड़ा हमारे को। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे।